Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss the teaching of biology at school level. You know about the pedagogy biology, teaching of biology. How to teach biology at school level? तो इसमें कौन से methods जो हैं वो हम use कर सकते हैं जैसे कि हम biology को teach कर सकते हैं school level पर और इसके अलावा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी एट स्कूल लेवल, क्यों बायोलॉजी को जो है वो स्कूल लेवल पर टीच किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों बायोलॉजी को जो है स्कूल लेवल पर टीच किया जाता है। बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस है और साइंस की डिफिनेशन ये है कि जो नॉलेज जो है हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की बेस पर हासिल करते हैं उसे साइंस कहते हैं। और हमारे पास जो साइंसेज हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन ही सब्जेक्ट से और डिसिप्लिन जो हैं इनकी और ब्रांचेज हैं जो कि इसी तरह ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करती हैं। अगर हम प्लांट सेल को देखें एनिमल्स में तो वहाँ उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है जब हम देखते हैं एनिमल्स में और प्लांट सेल में, तो दोनों में डिफ्रेंसिएशन है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है और इसमें जो वैक्यूल होता है बड़ा सा वो सेंटर में होता है, इसका न्यूक्लियस साइट पे होता है। इसके अलावा जो एनिमल सेल में हम देखते हैं तो उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है और इसमें वैक्यूल छोटे होते हैं साइज में प्लांट सेल से, और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। सेल वॉल जो है वो भी एनिमल सेल में नहीं होता, वो प्लांट सेल में होता है। अब ये जो बातें हैं ये एक बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट को पता होगी, लेकिन उस स्टूडेंट को नहीं पता होगी जिसने बायोलॉजी नहीं पढ़ी होगी। अगर बायोलॉजी उसे पढ़ा दी जाती है स्कूल लेवल पर तो उसे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, एनिमल के सेल के बारे में, प्लांट्स के सेल के बारे में, और ही सेल जो है ये बेसिक यूनिट है। जब हमारे पास ऑर्गेनिज्म के अदर उनके सिस्टम को फिर हम डिस्कस करते हैं, उसके ऑर्गन्स को और एक पूरा ऑर्गेनिज्म जब हम डिस्कस करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है क्योंकि हमने सेल डिफरेंशिएशन हमें पता होती है। तो इस तरह से साइंस जो है पढ़ने से, बायोलॉजी पढ़ने से हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में पता चलता है और बहुत सी बीमारियों के बारे में हमें मालूमात होती है कि किस तरह से कौन सी बीमारी के लिए कौन सी जो है मेडिसिन जो है वो रिकमेंडेड है, तो ये अच्छी है बुरी है, इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होती है। अगर हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें हमारे जो सराउंडिंग में है तो वहाँ पे हमें सारे इंसेक्ट्स हैं, बड़े एनिमल्स हैं, छोटे एनिमल्स हैं, सब जो हैं उनमें लाइफ फंक्शंस होते हैं, मतलब में रिप्रोडक्शन होती है, उनमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन होती है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। बायोलॉजी में ही अगर इसकी इम्पोर्टेंस को हम देखें तो हमें इससे जो है वो बायोलॉजी में हमें ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स कौन से हैं और इन ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में जो है हर एक पार्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे, फिजियोलॉजी के बारे में, जो कि डिसिप्लिन भी है बायोलॉजी के, तो हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। साइंस लिटरेसी भी यही है कि हमें साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें डॉक्टर्स जो हैं जो बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं उसको आगे जो है उनके लिए जो आगे फील्ड को चॉइस करना है उसमें डॉक्टर्स वो बन सकते हैं, वो बी फार्मेसी में जा सकते हैं, इसके अलावा जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं बॉटनी जूलॉजी में और माइक्रोबायोलॉजी में, तो इसके अलावा जो है नर्सिंग में भी वो जा सकते हैं और इस तरह की और ऐसी जो मेडिकल से रिलेटेड फील्ड्स हैं वो उन फील्ड में आगे जाके उसमें जॉब ले सकते हैं और वहीं पे अपनी जो है प्रोफेशनल लाइफ को चला सकते हैं। और इसके अलावा जब हम देखते हैं हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी ये भी इसी से रिलेटेड फील्ड है। जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप एनवायरमेंटल साइंस में भी जा सकते हैं और इसका अपनी जगह पे एक स्कोप है एनवायरमेंट के बारे में,
जब आपको स्टडी होती है कि पोल्यूशन जो है इनकी टाइप से एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, इन डिफरेंट पोल्यूशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और हम अपने एनवायरनमेंट के लिए जो है प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं जब हमें पता होता है कि इन जो पोल्यूशन है इसको कैसे किससे काज होती है और इसके लिए क्या हमें जो है कंट्रोल करना चाहिए और किन चीज़ों को जो है अप्लाई करके हमें इन पोल्यूशन को कम करना चाहिए। न्यूट्रिशन के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह से हम अपनी डाइट का ख्याल रख सकते हैं, कौन सी बैलेंस डाइट है, कौन सी इम्बैलेंस डाइट है और बच्चों को डाइट में क्या देना चाहिए, बड़ों को डाइट में क्या देनी चाहिए। जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, फूड ग्रुप्स हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स और इसके अलावा फैट्स हैं, फाइबर्स हैं, विटामिन मिनरल्स हैं, तो ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये किन फूड्स में होता है, तो ये हमें बायोलॉजी की जो एजुकेशन है उसी से ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और इसी बेस पे जो है हम जो अपनी डाइट को जो है वो बैलेंस रख सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि जब हमें पता होगा कि ये बैलेंस डाइट है तो हम उसे फॉलो करेंगे और बहुत सी बीमारियां जो हैं वो हमारे करीब नहीं आएंगी। और जिन चीज़ों में, जिन फूड्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, जिनसे शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन फूड से भी आप जो है ख़ुद को बचा सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपको ये मालूमात होती है कि कौन से फूड जो हैं वो कंटामिनेटेड हैं, वाटर कंटामिनेशन के जो आपके पास माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आपके फूड को जो है वो कंटामिनेट करते हैं। इसी तरह वाटर भी कंटामिनेट होता है, तो अनहाइजीनिक कंडीशन में जो है आपके फूड जो है वो कंटामिनेट हो सकते हैं, तो आपने हाइजीनिक कंडीशन जो है उनको फॉलो करना है। और इसके अलावा हमें बॉडी के बारे में, एनाटॉमी, बॉडी जो ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी है उसके बारे में हमें मालूमात होती है बायोलॉजी के पढ़ने से, कि हमें अपनी बॉडी जो है उसको किस तरह से जो है रखना है, इसमें हमारी बॉडी के लिए कौन सी चीज़ें जो है वो अहम है और कौन सी नहीं है, हमें अपनी बॉडी का जो है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में जो है बायोलॉजी से ही मालूमात मिलती है। यहाँ पे जो आपको सेल नज़र आ रहा है, इसमें एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स नज़र आ रहे हैं, तो हमें ये जो प्लांट सेल और एनिमल सेल हैं उनके स्टडी करने से हमें उनके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के फंक्शन का पता चलता है। अगर हमें इन चीज़ों का पता होगा तो हमें आगे जो है इन के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली हम गेन कर सकते हैं। हमें थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से ही बने हुए हैं और उनमें जो है चेंजेस होती रहती हैं लाइफ के साथ, उनमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, उनमें रिस्पायरेशन का जो है, ऑल लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेन्स के बारे में, सिस्टम्स के बारे में और जो ऑर्गेनिज्म है उनका आपस में जो इंटरेक्शन है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके साथ साथ हमें ये भी मालूम होता है कि उनका एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्शन होता है, तो ये सारी बातें जो हैं ये हमें बायोलॉजी की स्टडी करने से ही पता चलती हैं। बायोलॉजी का बहुत ही स्कोप है, अगर आप इसको जो है देखें तो इसे हम लाइफ में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे है तो इसका मतलब ये देयर इज बायोलॉजी, क्योंकि इसके साथ केमिस्ट्री भी इंटरेक्शन है। सारी जो साइंसेज है उसकी मदर को केमिस्ट्री कहा जा सकता है, क्योंकि मैटर जो है उसकी स्टडी, उसकी कंपोजिशन, उसके अंदर चेंजेस हैं वो केमिस्ट्री है। लेकिन जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, और इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन आता है नॉन लिविंग थिंग के साथ जो उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी के डिफरेंट जो है डिसिप्लिन्स है, यू कैन से देयर आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। एवरीवन लिविंग स्कूल शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी बाय नोइंग हाउ साइंस इज कैरिड आउट।
ensuring that everyone, not only those that go on to pursue science as a career, understand how science produces reliable knowledge. और इसी के थ्रू जो है हमें डिफरेंट नॉलेजेस के बारे में जो है जब बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसमें क्या हम देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, बायोजोग्राफी है, मेडिकल साइकोलॉजी है, एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जूलॉजी, बॉटनी, सो ऑन डिफरेंट ब्रांचेज हैं जिन्हें हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं और हमें इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है. जब हम इन डिफरेंट जो हमारे पास ब्रांचेज हैं इनका आपस में भी एक दूसरे से रिलेशनशिप है, साइंसेस का भी आपस में, इन ब्रांचेस का आपस में भी रिलेशनशिप है, और हमें इससे ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपस में इन साइंसेस का कैसे हैं. जैसे हम देखते हैं कि बायोफिजिक्स है, तो इसमें फिजिक्स में हम बायोलॉजी यानी लिविंग सेल के अंदर जो आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो प्रोटीन कोड्स होते हैं और वो सिस्टम है, तो उसको जो है एक सिस्टम को स्टडी किया जाता है जिसमें एक मशीनरी है, तो वो हम बायोफिजिक्स में उसको स्टडी करते हैं. इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री जो है लिविंग थिंग्स के अंदर जो उसकी केमिस्ट्री है, जो एंजाइम्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको जब हम स्टडी करते हैं तो ये बायोकेमिस्ट्री में ही स्टडी किया जाता है. फिर हम देखते हैं कि हमारे पास और बहुत से ऐसे फील्ड हैं जैसे में हम बायो का रिलेशन देख सकते हैं. दूसरे बायोजोग्राफी है, बायोजोग्राफी में हम देखते हैं बायोलॉजी का ताल्लुक जो है ज्योग्राफी से है, कि हमें जहाँ पे ज्योग्राफिकली हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे हैं विद क्लाइमेट, विद एरिया, जो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर, ड्यू टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. तो ये सब आपस में इनका एक डिफरेंट डिसिप्लिन का आपस में एक लिंक होता है.